खबर आ रही रतलाम से, जहां पर गणेश जुलूस के दौरान पथराव हो गया है। पथराव के बाद रतलाम में तनाव का माहौल नजर आ रहा है। इस बीच गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर आ रही है। देर रात इस हंगामे के बाद पुलिस लगातार इलाके में गश्ती बढ़ा रही है। हर जगह पर कर्फ्यू जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गणपति मूर्ति ले जा रहे हिंदुओं पर पथराव हुआ था, इसके बाद यहां पर बवाल हुआ है, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। हिंदुओं की भीड़ जो कि बप्पा को लेकर आ रही थी, जुलूस निकल रहा था, कल गणेश चतुर्थी का दिन था और लोगों का हुजूम बप्पा के जुलूस में लगा हुआ था। इस बीच गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, तनाव के हालात की बड़ी खबर रतलाम से। तो पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। बड़ी संख्या में हिंदू थाने में शिकायत करने पहुंचे, बाद में जाकर जब बवाल बढ़ा तो पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ गई। किस तरीके से वहां पर माहौल रहा, मूर्ति का पथराव किया गया, सांप्रदायिक तनाव वहां पर काफी ज्यादा देखा गया। रतलाम में कौन है ये साजिशकर्ता जिसने इस तरीके से यहाँ पर मूर्ति पर पथराव किया और माहौल खराब किया। गणेश उत्सव के दौरान किस तरीके से बवाल हुआ है मध्य प्रदेश के रतलाम की, दो बड़ी तस्वीरें। दूसरी तस्वीर जिस तरीके से आपको दिखा रहे थे, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, पथराव हुआ लोगों पर, लेकिन साथ ही साथ गणपति की मूर्ति ले जा रही भीड़ पर ये कौन है जिन्होंने पथराव किया और हंगामा बरपा।